आई वॉन्ट यू टू डू समथिंग, मैं चाहती हूं कि आप इसके बारे में कोई कदम उठाएं। आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूं हमारी आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में दाखिल हो। आप इसका मतलब जानती हैं? इट्स वॉर, जंग। जंग हो तो हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। आई डोंट माइंड इफ इट इज वॉर। मैडम, आपने कभी बाइबल पढ़ी? जनरल एक बात बताओ जी, व्हाट हैज बाइबल गॉट टू डू विद इट? बाइबल का इससे क्या लेना देना? हाँ जी, बाइबल की पहली बुक, फर्स्ट चैप्टर, पहली लाइन, ईश्वर ने कहा रोशनी हो, रोशनी हो गई। अब आप इस बात को घुमाकर देखिए और कहिए लेट देयर बी वॉर, लड़ाई होने दीजिए और लड़ाई हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं कि आप लड़ाई के लिए तैयार हैं? आज 25 अप्रैल है, हिमालय के सारे रास्ते खुल गए। अगर चीनियों ने हमें अल्टीमेटम दे दिया तो हमें पाकिस्तान और चीन दोनों से लड़ाई करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि चाइना अल्टीमेटम देगा हमें? आप फॉरेन मिनिस्टर हैं, आप मुझे बताइए। मैडम प्राइम मिनिस्टर, पिछले साल वेस्ट बंगाल में इलेक्शन था और आपने मुझे छोटे छोटे गांवों शहरों में फौज लगाने के लिए कहा था। इससे मेरे 20,000 सैनिक वेस्ट बंगाल में लगे हैं। अब इन्हें इन जगहों से निकालकर अपने बटालियन के हेडक्वार्टर्स में भेजने में 1 महीना लग जाएगा। एक और डिवीजन आसाम, एक और आंध्र प्रदेश और मेरा आमर डिवीजन झांसी में। लड़ाई के लिए इन सबको एक पोजीशन में लाने के लिए मुझे 1 महीना चाहिए और यह तब होगा जब इस देश के जितने भी सड़कें, ट्रक्स, ट्रेन्स है, उन सबको सिर्फ इस काम में लगा दें। वन लास्ट थिंग, आमर डिवीजन में सिर्फ 13 टैंक, सिर्फ 13 टैंक काम कर रहे हैं। सैम, सिर्फ 13 टैंक ही क्यों? क्योंकि आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं। पिछले 1.5 साल से मरम्मत के लिए मैं पैसे मांग रहा हूं और आप कह रहे हैं कि पैसे नहीं, इसीलिए। मैडम, अप्रैल का महीना है और जब तक हम लड़ाई के लिए तैयार होंगे तब तक ईस्ट पाकिस्तान में मॉनसून आ चुका होगा और वहां व्हेन इट रेन्स, इट डज नॉट रेन, इट पोर्स, नदियां समुद्र बन जाती है, चारों तरफ पानी ही पानी, और ऐसे में हम सड़कों तक ही सीमित रह जाएंगे। हमारी एयरफोर्स भी हमारी मदद नहीं कर पाएगी और अगर अब भी आप चाहती है कि हमारी फौज ईस्ट पाकिस्तान में दाखिल हो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं 100% हार की। मैडम, आई गारंटी यू डिफीट। सब चुप हो गए और सैम मानेकशॉ को कहना है कि उस वक्त इंदिरा गांधी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कैबिनेट 4 बजे फिर मिलेगी। चीफ आप रुके, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैडम प्रधानमंत्री, इससे पहले कि आप कुछ कहे, मैं मानसिक और शारीरिक सेहत के आधार पर अपना इस्तीफा दे सकता हूं। आप बैठिए सैम। क्या जो बातें आपने कही हैं वो बिल्कुल सही हैं? आपको सच बताना मेरी ड्यूटी है। मेरा काम है जीतने के लिए लड़ना, हारने के लिए नहीं। ऑल राइट सैम, आप जानते हैं मैं क्या चाहती हूं। अब आप ही बताइए आप कब तक तैयार होंगे। वॉर यस,
बट नॉट नाउ. मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने प्लानिंग और तैयारी के लिए पूरा वक्त दिया तो 100% हमारी जीत होगी.